जो भी पार्टी लड़ेगी तो वो भाजपा से ही लड़ेगी, और मुख्य विपक्षी में अखिलेश जी की सपा पार्टी रहेगी, मायावती जी की बसपा पार्टी रहेगी थर्ड पोजीशन पर, और फोर्थ पोजीशन पर तो मान लीजिए कि कांग्रेस रख लीजिए, लेकिन सीट कांग्रेस को नहीं आएगी, और बहुत मुश्किल है चांस इस बार, तो एक सीट भी लाना उनके लिए काफी कठिन काम होगा, आसान नहीं होगा। और मायावती जी के लिए भी एक सीट उससे ज्यादा नहीं होगा, और अखिलेश जी के लिए भी 4 सीट उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये सब कुल मिलाकर के 5-6 सीट में सारे सिमट जाएंगे विपक्ष, उससे ज्यादा इनकी सीट नहीं आने वाली है। ये और तो ठीक बाकी जिनका है। नाम आपने लिया है वो चंद्रशेखर रावण या जो भी नाम रहा हो, तो वो उसका तो अभी विधायक भी नहीं बना है, तो अभी तो सांसद वाले खेल में वो कहाँ से आ पाएंगे, अभी तो विधायक भी नहीं है, अभी पार्टी का कोई ऐसा संगठन तगड़ा नहीं है, और अभी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके सामने में तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस इसी तरह से वो सब चल रहे हैं, वो मान लीजिए कि सपोर्ट होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा से मतलब सपोर्ट ले करके कुछ पैसे उससे भाजपा दे रही होगी, तो उसके आधार पर जो है वो एक टीम बनने की, मायावती के खिलाफ में एक मतलब लॉबी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उनकी भी पार्टी चल जाए, थोड़े से वोट कुछ ले आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतने अभी जो है वे लोग उसकी ओर नहीं जाएंगे, गंभीर नहीं है उसके प्रति उतना, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही भाई, जहां से भी खड़े होंगे तो कुछ तो वोट मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ ही मिलेगा, हाँ बस वो मायावती का वोट ही काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मायावती का खेल ही बिगाड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अगर वो वही न आप लड़े तो मायावती हो सकता है कि 2-3 सीट भी जीत जाती है, लेकिन वो लड़के करके मायावती का खेल बिगाड़ देगा। यहाँ पे ओबीसी का भी एंट्री हो चुका है। ओबीसी और ये जो और पल्लवी जितने पटेल भी है, हाँ पार्टियां हैं ना, देखिए यूपी में सब जातिगत पार्टियां हैं, हाँ हाँ निषाद की हो चाहे चौहानों की हो चाहे कोई, सब जातिगत पार्टियां हैं, जाति अपनी जाति के ये सब जो है अपने बने हैं, स्टार बन रहे हैं, उसी का कहते हैं कि भाई हम जो है आपके सम्मान के लिए, तो आपके हक के लिए, तो आपके वो करेंगे, क्या हक के लिए करेंगे, जिसको आरक्षण मिलना था सबको मिल ही चुका है, आप क्या तुम और आरक्षण कहाँ से लाके दोगे, और तुम क्या करोगे। नहीं, ये सब लीडर नहीं है, सब डीलर है, अलग हाँ तो बस अलग। ये अपनी जातियों को बहका रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज्यादा है। लेकिन ये जो माहौल है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो काफी हद तक अखिलेश यादव ने ही इन नेताओं को उत्पत्ति किया था। 2016 में ये सब पार्टियां नहीं थी नहीं, वैसे, अखिलेश यादव ने नहीं किया है, ऐसा लेकिन कहा जाता है। ऐसा है ना कि मैं सबकी महत्वाकांक्षा रहती है, हर हर बिरादरी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं भी जो हूँ अगर 2-4 सीट ले आऊंगा तो मैं भी मंत्री बन जाऊंगा, मेरा भी चांस लग जाएगा, इस तरह से तो सब लोग हर बिरादरी के लोग यहाँ पार्टी बना चुके हैं, यहाँ बिरादरीवाद बहुत ही ज्यादा है, जातिवाद नहीं, बहुत है, तो कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके की कोई पार्टी नहीं है। आप ये देखिए, RLD जो बना था वहां पे वो सांसद जो बनाने की जो ये सहायता किया था वो अखिलेश यादव ने ही किया था, उनको उधार दिया था अगर देखा जाए तो RLD के लिए। नहीं आप नहीं नहीं ऐसा वो नहीं, ऐसा है ना कि वह पार्टी तो पहले बनी है, ये सपा बाद में बनी है, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो है पहले से है। नहीं, मैं सहायता करने के लिए कह रहा हूँ, जो उनके विधायक जो भी बना है वो सपा के सहायता से ही बना है, और बाकी जो आप ओपी राजभर हो या ये बस एक ये इन सब में अगर एक कुछ आधार है ना, तो वो ओपी राजभर का ही कुछ आधार है। हाँ, ओपी राजभर का जो है कुछ आधार है, और उस वो जो है इसलिए वो कुछ भाजपा से वो करके कभी इस सपा में भी कूद करके मतलब अपने पोजीशन वो कुछ बना रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो सीट के चक्कर में है, तो एक सीट शायद बीजेपी ने उसको दे दिया है। वो मऊ बलिया जौनपुर और आपके जो गाजीपुर है वहां पर अपना जो दावा रखते हाँ, हैं। तो उसका एक लोकसभा सीट है तो उसको मिल गया है, और विधानसभा में मान लीजिए कि 4-5 होंगे, हाँ तो उसकी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, बहुत जगह उसका फैलाव भी नहीं है, इतनी जगह है, उतने जगह जब तक लोग उसके बिरादरी के लोग जब तक रहेंगे,
उनके साथ, तब तक भाई उनकी चलती रहेगी, जिस दिन हट जाएंगे उस दिन काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ओपी राजभर की आगमन कब हुआ? आपने वो तो सब जो बसपा में थे ना पहले, तो नहीं उनकी तो अपनी पार्टी है ना। हाँ, वो गठन कब हुआ? मैंने वेबसाइट पे देखा वो 2016 दिखा रहा है। 2016? हाँ, नहीं नहीं 16 नहीं हुआ, पहले का है। पहले का वो तो बसपा में थे ना, बसपा में थे, सपा में थे, बाद में वो कूदे, और 2016 में शायद उनका सुबसपा करके उन्होंने एक अपना दल बनाया था, अपने पार्टी। हाँ, तरीके से तो देखा जाए तो इस तरीके से 5-5% की जो जनाधार रखने वाले पार्टी है उसका जो गठन है उस टाइम पे हुआ, तो काफी इसके भी अटकले लगा जा रहे कौन इसके पीछे है, किसकी जनाधार काटने के लिए ये पार्टी का गठन हुआ है, काफी हद तक जो संशयास्पद है कौन नहीं इसको कैसे, इन ये जितनी पार्टियां है ना इनको किसी ने गठन नहीं कराया है, सही बताते हैं आपको, ये सब सब खुद ही इतने महत्वाकांक्षी है, मैं उनमें से कईयों से मिला हूँ। फंडिंग कहाँ से आती है तो, फंडिंग कौन कर रहा है? हाँ, जब ये बना लेते हैं तो उसके बाद ये कुछ कुछ जब अपना कुछ लोगों को जुटा लेते हैं तब फिर उसके बाद ये संपर्क करके कुछ जो है फंडिंग लेते हैं बड़ी पार्टियों से, जिसका वोट ये काटने का दावा करेंगे उससे फंडिंग इनको हो जाएगी। ओपी राजभर की और जो है आपकी जो मुख्तार अंसारी की का किस तरीके से संबंध है? हाँ, तो इन लोग काफी क्लोज संबंध है, काफी क्लोज। तो कहाँ से पैसा आया होगा आप सोचिए? वो जो ये जो है ना ये उन लोग की कौमी एकता दल उन लोगों ने बनाया था, मुख्तार और अफजाल ने, और इनका तो सुहेल देव पार्टी है। हाँ, तो ये लोग दोनों मिल करके लड़े थे चुनाव, और वैसे भी व्यक्तिगत संबंधों की संबंध भी उनके काफी मजबूत है। हाँ, तो वो उसमें फंडिंग आया होगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए फंडिंग को वो तो ये लोग ये सब ऐसे है ना कि ये दुनिया में कहीं से फंडिंग आ जाए ना ये ले लेंगे। नहीं, ओपी राजभर के जो पार्टी है सिर्फ वो राजभर जो है डोमिनेंट कैश से उनकी जनाधार मिलती है, वो अगर उत्तर प्रदेश में पूरी देखा जाए तो सिर्फ 5% होगी मिनिमम, उतना ही है शायद, उतना ही कम भी। 5% भी नहीं होगा, 5% बहुत ज्यादा है, 5% नहीं होगा, ये आधा परसेंट होगा। आधा परसेंट है क्या? और क्या, बस बस इधर ही थोड़ा सा है। इधर 5-6 जिले में बस है, और उधर थोड़ी है, पश्चिमी यूपी में ऐसा कहीं नहीं है। वो जो कहते हैं ना मऊ बलिया गाजीपुर, बस 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 इतना ही है, इतना ही है, इतना ही, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्वांचल के इलाके में उनकी जो थोड़े बहुत जनाधार है। हाँ हाँ, बस बस। तो उस तरीके से काफी जो राजनीति है इसी डायरेक्शन में जो मैं देख रहा हूँ आगे की जो राजनीति है इनको, मुझे लगता है शायद ये सब टिके हैं जाति के आधार पर, तो कुछ ही दिन इनका भविष्य बहुत नहीं है आगे। ये जितनी जाति के आधार पर जो पार्टियां है ना इनका बहुत लंबा भविष्य नहीं है, ये धीरे 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 फेड आउट कर जाएंगे, जैसे जैसे जो है इनकी जातियों के लोग हटते जाएंगे देखेंगे कि इन सबका कोई भविष्य नहीं है, खुद ही छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनके पास ना बड़े मुद्दे हैं, ना इनके पास जातियों को देने के लिए कुछ है, कुछ भी तो नहीं, क्या दे सकते हैं अपनी जातियों को ही, कुछ भी नहीं दे सकते। अगर ये बात सही है, अगर ये बात देखा जाए आप जो कह रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल हो, अपना दल हो, और जो है ओपी राजभर हो, और निषाद पार्टी हो, उस तरीके से भाजपा क्यों उनसे गठबंधन किया, और जो है ओपी राजभर को कैबिनेट के लिए मिनिस्टर क्यों बनाया? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, अगर उनकी जो दबदबा नहीं है। नहीं, दबदबा तो है तो अपने अपने बिरादरी में है ना। हाँ, अपनी बिरादरी में, उनकी बिरादरी के लोग तो है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि उनके बिरादरी के लोग उनके साथ है, लेकिन बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगे, 10 बरस 20 बरस 25 बरस रह लेंगे और क्या करेंगे, अपने आप टूट जाएंगे, हट जाएंगे, कहेंगे अरे क्या जाति जाति इन लोग, ना इनका कोई फैलाव होने वाला है, ना ये अपने बिरादरी को ही कुछ दे सकते हैं, ये सिर्फ अपने उसी नाम पर अपने ये जी खा रहे हैं बस।
अपने विधायक सांसद कुछ बन जा रहे हैं और ये कुछ नहीं दे सकते, अपने बिरादरी को भी नहीं दे सकते। और जैसे जैसे और समय आगे बढ़ेगा, जातिवाद कमजोर होता जाएगा, लोग अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं, तो इनका भविष्य जो है बहुत लंबा समय नहीं है। और फिर कोई दूसरा दूसरा नेता भी कोई रजिस्ट्रेशन करा लेगा, इसी अपना दल में ही देखिए, दो दो दल हो गए। हाँ, दो दल हो गए, राजभर में भी इसी तरह से दो दल हो सकते हैं, सुहेल देव में भी दो दल हो सकते हैं, तीन दल हो सकते हैं। तो कई लोग महत्वाकांक्षी है, रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, लेकिन अब भाई उनकी बिरादरी की पकड़ जहाँ हो जाएगी वह हो जाएगा। तो लंबा बहुत बहुत नहीं है इनका, कुछ दिन टिकेंगे, तब तक बीजेपी भाई इनको सीट दे रही है एकाध। नहीं वो तो सही है, इसका मतलब दूसरा है। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि क्या राम मंदिर उस तरीके से होने के बाद भी क्या यूपी में अभी इन जैसे 5-5% जो जाति के दावेदार है उनके गठबंधन क्यों करने के लिए मजबूर है? क्या उनको जो है हिंदू लहर जो है आने चाहिए था, क्या वो विफल हुआ? कि महत्वपूर्ण सवाल है कि नहीं, कहाँ पर खास करके यूपी में क्या यूपी में पूरे लहर है, पूरे हिंदू लहर है तो है, तो जातिगत जो है समीकरण क्यों बना रहा है भाजपा? जातिगत देखिए, जातीयता भी यहाँ पर रियलिटी है और हिंदू लहर भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना सुपर हिट होने के लिए। खाली हिट नहीं होना चाह रहे हैं ना, सुपर हिट होना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं बीजेपी वाले कि हमें 78 सीट आ जाए, 80 सीट आ जाए, तो ये महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है ना आदमी की, 100% सीट चाहने लगते हैं। तो फिर तो वैसी स्थिति में अब भाई आपको समझौता करना पड़ेगा ना, कई तरह से गुणा गणित लगाना पड़ेगा। ये तर्क तो आप ये मानते हैं ना, अगर एक ही प्रोग्राम बार बार दिखाया जाए टीवी पे तो आदमी बोर हो जाता है। हाँ, तो है। तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आया कि नहीं आया? किसी का सैचुरेशन? के हिंदुत्व के नहीं, सैचुरेशन अभी नहीं आया, अभी तो वो तो हम कुलाचे मार रहा है। अभी सैचुरेशन नहीं आया क्योंकि अभी भाजपा के पास बहुत प्लानिंग है ना, एंड गेम नहीं हुआ है ना। नहीं ठीक है, अभी बहुत प्लानिंग है कि ये लगाएंगे, काशी विश्वनाथ लेंगे, मथुरा लेंगे। हाँ, अभी बहुत सारे चीज हैं, वो मध्य प्रदेश में वो धार है सरस्वती जी का, उसको लेना है भोजशाला। तो बहुत, अभी तो बहुत सारे चीजें हैं, अभी तो बीजेपी को बहुत सारा चीज करना है। अभी वक्फ बोर्ड को खत्म करना है, हिंदू मंदिरों का जो अधिग्रहण किया जाता है उसको खत्म करना है। अभी तो बीजेपी के पास प्लानिंग ही प्लानिंग है, अभी कहाँ से सैचुरेशन आएगा? अभी सैचुरेशन कुछ नहीं आया है। तो खैर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमने इस अटकले की लगाने की कोशिश की भविष्य में किस तरीके से ये पार्टी अपने वजूद के लिए कोशिश करेंगे, क्या इसी तरीके से जातिवाद रहेगा या नहीं रहेगा, मंडल राजनीति क्या फिर से? अभी तो जातिवाद मुझे लग रहा है कि 20 वर्ष तक तो कर रहना। हाँ, 20 वर्ष के आसपास तक मैं समझता हूँ, लेकिन ग्रेजुअली ये फेड हो रहा है, घटता जा रहा है, इसका प्रभाव, इसकी ताकत क्षीण होती जा रही है, इनके हौसले भी टूट रहे हैं। इनका अपने ये जो है, जैसे यादव सभी हैं तो वो अखिलेश के साथ जरूर है, लेकिन उनका विश्वास जो है अब डगमगा भी रहा है, वो देख रहे हैं कि ये क्या, ये जीतेगा उतेगा नहीं, और उतना फिर हिंदुत्व की भी लहर है तो कुछ प्रतिशत उसमें छट जाएंगे। इनके पैसों का स्रोत सुखा दिया गया है, जो इनके जो एनजीओ वगैरह से पैसे आते थे उनको बंद कर दिया गया, इनके पास पैसे नहीं है। इनके जो जान पहचान के सब थे जो फंड करते थे, पैसे वाले उद्योगपति, वे सब पकड़ लिए गए हैं, जेल में हैं, जो बदमाशों के सहारे चलते थे, बदमाश मार दिए गए हैं, उनके आदमियों को भी पकड़ लिए गए हैं, तो ये तो एक तरह से बेसहारा हो गए हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन कमजोर लड़ाई लड़ेंगे, हारने वाली लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अगर ये जो स्थिति है कमोवेश इसी तरीके से बिहार में भी है, अगर देखा जाए तो अब नई पार्टी कुछ यहाँ पे आई है, जैसे कि
जो है ये लोजपा करके, ये पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और पशुपति पारस के भी एक उनकी जो चाचा है उनका भी ये पार्टी है, और एक जो मुकेश सैनी हो या कौन है वो वीआईपी एक पार्टी है, उस तरीके से जो बिहार में भी कुछ इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां आगमन हुआ है, उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों स्तर पे भी अगर देखा जाए तो भाजपा इन सभी दलों से गठबंधन कर रही है, तो इसका आकलन भी हमको करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग अपने ही जो हिंदुत्ववादी के जो एक ये है उसको कहाँ कहाँ तक ले जा पाएंगे, अगर इन्हीं छोटे दलों से अगर ब्लैकमेल होंगे तो कहाँ से ये नहीं, लोग, ब्लैकमेल नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो मैं जहां तक ये बीजेपी की बात है, बीजेपी हाँ इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रही है, बल्कि इनको प्रोत्साहन दे रही है। और ये छोटी पार्टियां बीजेपी से चिपकी हुई हैं अपने लाभ के लिए, क्योंकि जानती हैं कि भले एक सीट मिलेगा लेकिन श्योर हम जीतेंगे। तो आपने एक बयान सुना जो है अमित शाह की बयान बार बार दिखाया जाता है, जब उन्होंने कहा कि हम जो है अपने जो खिड़की दरवाजा जो भी हो वो बंद कर चुके हैं जो नीतीश कुमार के लिए, तो उन्होंने दीवार कूद कूद के वापस जो जोड़ लिया, इस तरीके से एक जोक हमेशा अभी देखिए, आ रही है उस तरीके से देखा जाए तो। नेताओं की बात को पूरे फेस वैल्यू पर नहीं लिया जाता है। ये सब जो है, ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, तो ये सब जो है, ये इनकी बातों पर भरोसा करने वाला बहुत नादान नेता है। जिसको राजनीति समझ नहीं होती है, वही इनकी बातों पर भरोसा करता है। तो खैर ये तो और बिहार एक में जो वो लोजपा है, तो उसकी जो पहले रामविलास पासवान थे ना, उनकी पार्टी है, हाँ वही बहुत है पहले की बनी हुई है। तो वहां पर हालांकि उसकी बिरादरी के उतने नहीं है, मतलब आदमी, जितने की मायावती के यहाँ पर हैं। तो इसलिए वो बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा फोर्स बन के हुए नहीं आ सकते। बस वो एक दो सीट उनको मिल जाए, उसी में उनका अपना जीवन चलता रहेगा। बस यही बात है। यहाँ पे एक और समीकरण मैंने पिछले संवाद में एक कहने की कोशिश की, मान लीजिए मायावती बहुत अच्छी कर लेती है तो 2-3 हजार जो है ममता हो या उस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां जो है राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अच्छे कर लेती है तो क्या इनकी चांसेस है, अगर देखा जाए तो इससे डैमेज तो होगा उस तरीके से देखा जाए, और क्या भाजपा इनको प्रधानमंत्री बनाएगी कि विपक्ष बनाएगी, कौन बना सकता है मायावती को, काल्पनिक मायावती को, दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। जो है ना, ये लोग अगर बनाते हैं उसको विपक्ष का उम्मीदवार, हालांकि राहुल गांधी ने प्रस्ताव रखा था, हाँ, लेकिन मायावती नहीं गई, क्योंकि इनका वोट छितरा जाएगा। वे सब हड़प लेंगे, कांग्रेस का तो वोट है नहीं इधर, कांग्रेस हड़प लेगी इनका वोट, सपा हड़प लेगी, और इनके ऊपर चढ़ेगा नहीं, और इनका वोट उस पर चढ़ जाएगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि कैंडिडेट ये बनेंगे या अखिलेश से गठबंधन करेंगे तो ये जाएंगी जेल, इनकी फाइल खुल जाएगी, ये इनको जेल जाना पड़ेगा। तो भाजपा यहाँ पर ब्लैकमेल भी कर रही होगी कि यदि आपने ऐसा किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल वाला, इन लोगों को तमाशा दिखा दिया गया है, तो ये सब तो बिल्कुल डरे होंगे भीतर से कि कहीं हम ना चल जाए। लालू भी डरे होंगे कि हम ना चले जाए जेल, तो उनका पूरा परिवार चला जाएगा जेल। तो लालू तो वो करेंगे ना जो बीजेपी कहेगी, ये जान क्योंकि लें आप। लालू लालू उन्होंने वहां क्या कहा, करेंगे जो बीजेपी करेगी। बीजेपी जिसको कहेगी कि इसको टिकट नहीं देना है तो नहीं देना है, इसको टिकट देना है तो देना है, ये जान लें। अगर उनको बचना है जेल से तो, और लालू इतने चालाक हैं कि वे बढ़ोतरी में अपना खराब नहीं करना चाहेंगे और अपने पूरे परिवार को जेल में नहीं देखना चाहेंगे। हाँ तो ये जो है जब इनकी जो थोड़े बहुत जनाधार आएगा उस तरीके से टैली होगा इलेक्शन पे, आप ये कह रहे हैं कि खुद ही सैबोटाज हो करके वो जो है बीजेपी की तरफ वो
गठबंधन सरकार करने के लिए वो बेशर्त ये हो जाएंगे, कंडीशन विदाउट कंडीशन वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आप ये करें। कौन कर लेगा? कोई जो है मायावती हो उस तरीके से। हाँ तो अगर इनको बचना है ना तो जेल जाने से तो मानना ही पड़ेगा ना, बीजेपी की बात माननी ही पड़ेगी, तो अन्यथा जेल जाए। हाँ क्योंकि तो इन लोगों ने कांड कर रखा है ना, जब इनकी सत्ता थी तो इन लोगों ने कांड किया हुआ था, भ्रष्टाचार खूब किया हुआ था। आइए ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब हम लोग की सत्ता सारा सदैव रहेगी, अब हम लोग कौन पकड़ेगा, लेकिन ये भूल गए कि भाई ये तो प्रकृति का चक्र है, काल चक्र है, ये तो घूमेगा। तो हम अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जैसे कि मीडिया और मीडिया के कुछ जो विभाग है, जो गोदी मीडिया है और एक तरफ है दरबारी मीडिया हो, पप्पू मीडिया कहे या कोई भी मीडिया कहे, उस तरीके से एक दो ध्रुवीकरण आज के समय में हम देख रहे हैं। नहीं तो, आज से नहीं, ये तो कांग्रेस के सम जब बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, उसके पहले ही, बल्कि वो तो दो भाग हो ही चुका था। पहले से डायरेक्शन में ही जा रहा था कि पहले तो हमें मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता किसी तरफ से भी, क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई भी इंडिपेंडेंट अपने कबर जो है, जो भी उनको कबर मिलती है वो अगर चाप देते हैं, मान लीजिए कबर फर्जी निकली या प्लांटेड निकला, तो इनके ऊपर केस भी हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप कैसे कहेंगे? तो प्रमाण नहीं है तो कैसे कहेंगे?